ओके आप बीकानेर भी एक ही दिन मुझे आए हुए यहाँ पे हुआ। ये साहित्यिक और सांस्कृतिक नगरी है और बीकानेर में बहुत तरीके के काम हो रहे हैं, स्टेशन पर भी सुंदरीकरण के काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी प्राथमिकता रहेगी कि एक तो संरक्षा जो कि सभी रेल कर्मियों की पहली प्राथमिकता होती है, और इसके अलावा पैसेंजर अमेनिटीज़ के जो जनता की सुविधाओं के काम है उनकी तरफ जो है खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। जो भी ऐसे काम हैं जिसमें कि जनता को फैसिलिटी मिलती है, एस्केलेटर के काम है और वाईफाई के काम है, लिफ्ट के काम है, पैसेंजर को ऊंचा करने के काम है, इस तरीके के सभी काम हैं। इसके अलावा जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम हैं इनमें अगर देख करके, ये काफ़ी वैसे तेज़ी से चल भी रहे हैं, इनमें अगर कहीं पर कोई गतिरोध हो रहा है तो उनको दूर करेंगे और जल्दी से जल्दी ये करेंगे कि बीकानेर जो है ये एकदम वैसे अभी भी बीकानेर काफ़ी अच्छे, उसमें लास्ट ईयर जो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की शील्ड मिली थी। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों का जिस तरीके से जनता का भी और सबका सहयोग मिलता रहेगा, बीकानेर एक आदर्श मंडल न केवल नॉर्थ वेस्टर्न में बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श रेल मंडल बनकर स्थापित हो। ट्रेनों के अंदर CCTV का अभी एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, ये जहर खुरानी का जो आप बता रहे हो ठीक, तो ये नई प्रॉब्लम बल्कि मुझे पता चली कि ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम है, बल्कि इस टाइप की प्रॉब्लम उधर ईस्टर्न साइड में ज़्यादा होती है। इसकी RPF की जैसा ADRM साहब बता रहे हैं चलाते हैं GRP के साथ मिलकर GRP के साथ, तो उसको अभी मैं देखूंगा अगर क्या है, किस तरीके के है और अगर इसका कोई समाधान निकल सकता है या कोई नया इनिशिएटिव लिया जा सकता है डेफिनेटली इस पर काम करें। ठीक।